हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सिप्ला लिमिटेड की ओर से सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आउट हो चुका है। अनऑडिटेड, स्टैंडअलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है क्वार्टर हाफ ईयर एंडेड का, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर करोड़ में है, हम लोग कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम 7241.6 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 6854 करोड़ का और लास्ट ईयर में 6854.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंस 5452.5 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 5442.7 करोड़ का, लास्ट ईयर में 5260 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1789 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 1611 करोड़ का, लास्ट ईयर में 1594 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 1305 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 1175 करोड़ का, लास्ट ईयर में 1155 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का 16.12 रुपीज़ का, लास्ट क्वार्टर में 14.57 रुपीज़ का, लास्ट ईयर में 14 रुपीज़ का ईपीएस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज फार्मास्यूटिकल्स, नए वेंचर्स, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट करा है, लेकिन मेनली कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है फार्मास्यूटिकल से, जो कि गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया, क्योंकि इनकम प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए गाइस कंपनी का रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया है। अगर हम इसके शेयर की बात करेंगे तो कंपनी का जो शेयर है 1481.7 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और 1.4% का लॉस है गाइस। एक्चुअली गाइस कंपनी मार्केट ओपन होते ही 10 AM तक कंपनी का शेयर बहुत बुरी तरह से क्रैश किया, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह का रिजल्ट पेश किया, जहाँ से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 5 डे में 1.2% का लॉस है, 1 मंथ में 10.3% का लॉस है। कंपनी का शेयर एक डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है, लगभग अगर देखें तो 9 अक्टूबर से कंसिस्टेंट डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो जिस तक रिजल्ट पेश का देखना ये गाइस कि यहाँ से कंपनी रिवर्स कर पाती है या फिर अगर पॉजिटिव होता है तो गाइस आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं एंट्री एग्जिट करने। कोई भी डिसीजन लेने पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा या फिर खुद से एनालिसिस जरूर कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।